कारण है कि गुटबाजी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है, और खासकर तब जब एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है प्रदेश में, कांग्रेस के लिए काफी आसान होगा जीतना, चुनाव जीतना विधानसभा चुनाव में। देखिए, जहां तक आप कांग्रेस की बात करेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलूं, हर बार राहुल जी भी इस बात को रखते हैं अपने मंच के माध्यम से, पटल पर, सार्वजनिक पटल पर। कोई भी एक बड़ा दल होता है, बल्कि मैं कहूंगा आपका ग्रुप भी होगा, तो कहीं ना कहीं मत भिन्नताएं तो होती हैं। कांग्रेस पार्टी में डीएनए के अंदर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी है, और हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अंकुश नहीं लगाते हैं, या मैं कहूँ कि तानाशाही तरीके से हम पार्टी नहीं चलाते हैं। हम सहज रूप से लोगों के जो दूसरे भाव भी हैं, उनकी दूसरी राय भी है, उसको स्वीकार करते हैं। उसको हो सकता है कि इस प्रकार का परसेप्शन बना लिया जाए कि गुट का, लेकिन अब यदि आपको सही गुटबाजी देखनी है, तो थोड़ा सा आपको बगल में झांकना होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर। जिस प्रकार की गुटबाजी वहां आज है, जिस प्रकार से आप देखिए शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, नाराज भाजपा, स्थापित भाजपा, तो जितने भागों में ये बट गई है, क्योंकि अभी वहां सत्ता की लड़ाई है वहां पर। तो असली गुटबाजी यदि आप कहेंगे राजनीतिक रूप से, तो वो अब कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। आज पूर्ण रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी, आप देख भी रहे होंगे कि जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, उद्घाटन, नारियल फोड़ने में, फीते काटने में, और ग्वालियर चंबल अंचल में आप देख ही रहे हो, बिना टेंडर लगे हुए एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन है वो कर जाते हैं सिंधिया जी, उसके बाद शिवराज जी आते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा नारियल फोड़ने की उनके अंदर है, हमारी कांग्रेस में आप देखेंगे। हाँ, मतभिन्नता हो सकती है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। हम चूंकि डेमोक्रेसी से आते हैं, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन से पैदा हुई पार्टी है, अन्यथा आपको ऐसी कोई गुटबाजी कांग्रेस में देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम आगामी चुनाव में।